मेरा शुरू से यही था मुझे अपना बिजनेस करना है जो भी करना है खुद करना है जॉब नहीं अच्छा। करना है। मैंने पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूजिंग फोटोशॉप पहले स्ट्रेटर फिर वीडियो एडिटिंग यूजिंग प्रीमियर ये सब किया हुआ है वहाँ से स्टार्ट की फिर मैं वेब डेवलपमेंट में आया वेब डेवलपमेंट से मेनली पहले वर्ड प्रेस पहले एस बेसिक एस टी फिर वर्ड फिर मैंने पी एच काम शुरू किया फाइवर में मुझे फ़ायदा ये था जब मैं फ़ाइवर पर गया तो मैं बहुत अर्ली स्टेज में था डेवलपर्स कम थे काम लेने वाले लोग ज़्यादा थे अच्छा सबसे पहले मैंने फाइवर पे इसी पे काम किया था इसी से अर्न किया इसी से करते करते मैं आगे और चीज़ों में आता गया हूँ साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जब इंडिविजुअल काम कर रहा था मेरे पास टीम नहीं थी मैं एक साथ पाँच प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और पाँचों अलग चीज़ के थे डेवलपमेंट से ज़्यादा इंजीनियरिंग से ज़्यादा बिजनेस मार्केटिंग में। मार्केटिंग है वो कितनी एक्सपेंसिव पड़ सकती है हाँ आउट ऑफ फाइव फाइवर अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट लाना है लीड्स कितनी महंगी पड़ती हैं लोगों को ये आइडिया ही नहीं है अगर उनको ये चीज़ समझ आ जाए कि बेसिकली क्या है वो कभी भी 20 परसेंट फाइवर कोई दे देंगे वो कहेंगे नहीं हाँ. फाइवर ले ले बेहतर है <laughs> ना हमारे को मार्केटिंग टीम मैनेज करनी exactly. है कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ रहा बीस परसेंट में हमारा सारा काम हो रहा है <laughs> सारा काम हो रहा है यू हैव डूइंग वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कोलाची कास्ट पाकिस्तान में बहुत सारे फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म है जिनपे फ्री लांसर जो है वो काम ले रहे होते हैं उनमें मेजर एक प्लेटफॉर्म है दैट इज़ फाइवर जो आज आज के हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया फ्रॉम फाइवर ही इज़ अलहमद माशा बिन टॉप रेटेड सेलर ऑन फाइवर फॉर आई थिंक मोर देन फोर टू फाइव ईयर्स विद ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस हिज जर्नी आई सीन इट क्लोजली फ्रॉम बींग इंडिविजुअल फीलानसर एंड कन्वर्टिंग दैट गिग अ कंपनी थैंक यू सो मच मुबीन फॉर कमिंग इन सलाम So, Mubin, uh, let's talk a bit about your experience. Uh, we'll come to your professional experience, but before that, uh, I know you come from a Chinioti family. Yes. Or uh, talk us about your early life, school, college, and your university. Yeah, sure. So uh, it's like if I talk about my school, basically I went to the Karachi Public School, and there, from there I did my O levels. Uh, I did my O levels and basically in कंप्यूटर इट वॉज कंप्यूटर साइंस एड मैथ मैथ कंप्लीट कम्प्लीटली साइंस उसके बाद फिर मैं एवल मैंने प्राइवेट किया है रीज़न ये है कि मुझे एक साल में करना था अच्छा दो साल का वैसे दो साल होता मुझे एक साल बचाना था मैंने प्राइवेट किया डायरेक्ट खुद पढ़ा डायरेक्ट नोट्स वगैरह से डायरेक्ट करके एक साल में ख़त्म ए लेवल का रिज़ल्ट आया डायरेक्टली यूनिवर्सिटी गया हूँ कहीं अप्लाई नहीं किया डायरेक्ट क्यों डी एच एसाउट फास्ट कुछ भी नहीं क्योंकि अच्छा। यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए थी अपने घर के घर के करीब <laughs> मुझे शुरू से मेरा यूनिवर्सिटी आप तब चूज़ करते हो जब आपका फोकस ये है कि यार मुझे जॉब कहाँ अच्छी मिलेगी इस यूनिवर्सिटी से अगर मैं पास आउट होता हूँ hmm. मुझे अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी मसला ये है मेरा शुरू से यही था मुझे अपना बिजनेस करना जो भी करना है खुद करना है जॉब नहीं अच्छा तो हम लोग असल में चुनी में बेसिकली मोस्टली बिजनेस मैन ठीक है दूसरा ये है अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे दूसरी कम्यूनिटीज़ से हमारे अगर हम लोग मेरे को याद है जब मैं छोटा होता था हम लोग जाते थे अब होता ही है हमारे जैसे अगर आप किसी फंक्शन में भी जा रहे हैं ज़्यादातर सेग्रीगेट होकर बैठे हुए होंगे जेंट्स अलग लेडीज़ अलग अब जेंट्स में बाहर सारी बात ही हो रही होगी बिजनेस रिलेटेड कोई स्टॉक्स की बात कर रहा होगा कोई बिजनेस की बात कर रहा होगा तो आपके बचपन से आपके दिमाग में चीज़ें आ रही होती हैं ओके तो मेरा शुरू से वही फोकस था उसके बाद मैंने सफ़ा सपना जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में था तब से ही मैंने कोर्सेज़ शुरू कर दिए थे आ, शायद आपको पता हो उस वक्त युडे में नहीं होता था कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे कोर्स एच टी एम एल रिलेटेड मेनली किए जाते थे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मैंने माइक्रोसॉफ्ट तो, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म था मेरे ख्याल टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म था नहीं था ओवरऑल हर चीज़ थी मगर एक उन्होंने हाँ। एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें बेसिक वो एच और इन चीज़ के कोर्स देते थे सही तो पहले वहाँ पे उस वक्त एच टी एम एल थ्री का कोर्स होता था फिर एच टी एम एल फाइव का कोर्स आया mm -hmm. फिर मैंने वो सारे कोर्सेज वहाँ से खत्म सीखे okay. और मुझे याद है तकरीबन अराउंड फेब टू थाउजेंड मैंने फाइवर पे सेटअप किया प्रोफाइल बनाई तो फाइवर पर पहले जो है आप गिग आपकी पाँच डॉलर से ऊपर हो ही, ही हो ही नहीं सकती थी, थी। Oh yes, I उस वक्त नहीं हो सकती थी <laughs> डॉलर से ऊपर एंड दैट इज इट कॉल्ड के जो भी मिलेगा आपको का मिलेगा yeah. तो जब मेरी पाँच डॉलर की गिक थी mm. तो जैसे शुरू में मैंने क्लाइंट्स मिलते यही थे कि, कि किसी के बग फिक्स कर दिया आपने वेबसाइट में कभी कुछ कर दिया कुछ कर दिया मगर एक दफ़ा जैसे आया क्लाइंट उसने बोला मुझे काम चाहिए ट्वेंटी फाइव डॉलर का उसके पाँच ऑर्डर क्रिएट करने पड़ गए अब फाइवर कहाँ से कहाँ पहुँच गया कहाँ से कहाँ पहुँच गया नाउ आई थिंक यू कैन क्रिएट अप टू

अब प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया क्योंकि मेनली अब फोकस ही उनका ये चल गया कि उन्होंने एक कम्पेरिजन करना है अदर प्लेटफॉर्म hmm. और मुझे लगता है कि वेरी uh, सुन हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये जो आर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए सब्सक्रिप्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया आई गेस कि मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप किसी क्लाइंट को देना चाहते हैं तो फिक्स टाइम uh, वो आप दे सकते हैं ठीक है तो वाई डू यू चूज एट दैट टाइम बिकॉज आप जब जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी दैट वाज फॉर डेवलपमेंट यस मेनली मेरी स्टार्ट हुई थी वेब डेवलपमेंट से आई यू एस बाद में हुई थी पहले सबसे पहले मेरी हुई थी ग्राफिक डिजाइनिंग से ओके okay. मैंने पहले सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग यूजिंग फोटोशॉप पहले फिर वीडियो एडिटिंग यूजिंग प्रीमियर ये सब किया हुआ है वहाँ से स्टार्ट की फिर मैं वेब डेवलपमेंट में आया वेब डेवलपमेंट से मेनली पहले वर्ड प्रेस पहले एस टी एम बेसिक एस टी एमस एस फिर वर्ड प्रेस फिर मैंने पी एच पी पे काम शुरू किया अच्छा तो ये जो डेवलपमेंट वाली आपकी जर्जी जर्नी है वेब डेवलपमेंट वाली तो इससे भी आपने अर्न किया फाइवर पर मैंने शुरू में यही किया अच्छा सबसे पहले मैंने फाइवर पर इसी पे काम किया था इसी से अर्न किया इसी से करते करते मैं आगे और चीज़ों में आता गया हूँ साथ ठीक है अब आपका सवाल रहा अपवर्क पर क्यों नहीं किया तो बेसिकली अपवर्क जो है उस वक्त अपवर्क था ही नहीं

जब खुद अप्रोच कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे इसलिए मैं उस तरफ मैंने फोकस ही नहीं किया जब मैं अपवर्क पे जब तक मैं पहुंचा तब तक मैं काफ़ी लेट हो चुका था तब तक अपवर्क पे बहुत कॉम्पिटिशन <laughs> बढ़ चुका था तो मैंने फिर मुझे लगता नहीं नहीं। आपको मतलब बहुत लंबे अरसे तक कोई जरूरत पड़ी है मुझे जरूरत नहीं प्लेटफॉर्म मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उससे जाने के बाद अभी भी अब जा अभी मैं अब मैं ओवरऑल टीम एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस बड़ा कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे जरूरत पड़ रही है नहीं तो मेरे लिए अभी तक फाइवर सफिशेंट था ठीक है अच्छा आई सीन सी आव सीन यू इन यूनिवर्सिटी टाइम्स यू वर ऑल्सो डूइंग आई एस डेवलपमेंट बहुत अर्ली एज पे लाइक like, इंडिविजुअली मैंने भी ख़ुद uh, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की मतलब आई यू एस बी ट्राई किया उसके अलावा सी शार्प भी ट्राई की डॉट नेट के ऊपर भी कुछ करने की कोशिश की अलग अलग कोर्सेज करता रहा सारी चीज़ें बट वंस आई डिसाइडेड कि यार मैं ना वेब डेवलपमेंट करूँगा और एंगुलर जेएस एस और मीन स्टैक के ऊपर काम कर करना है मैंने और वो एक मरतबा काम उसके ऊपर कर लिया तो उसके बाद जावा स्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजीज़ में तो रहते हुए बहुत आसानी रही मेरे लिए कुछ काम आया आई ओ एस का स्विफ्ट का क्योंकि रियाटनेटिव के ऊपर काम कर रहे थे एंड्रॉयड का कुछ फिक्सेस करने थे वो तो हो गए बट फुल फ्लैच आई डेंट थाट अबाउट कि मैं इसको स्विच कर लेता हूँ तो उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी टाइम के ऊपर ही मुझे याद है मेरे ख्याल आप लोगों का कोई आखिरी सेमेस्टर था एंड यू गॉइज वन प्रोकॉम और ने और मतलब दैट वाज फॉर आई यू एस अशर yes. थे आपके साथ और साथ साथ yes. थे। तो हाउ डिड यू मेड दैट ट्रांजेशन बिकॉज इफ यू आर इफ़ यू हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ वेब डेवलपमेंट तो फिर वो क्या सोचा क्यों ट्रांजेशन uh, हुई बेसिकली uh, जब मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था मुझे एक क्लाइंट मिला उसका उसने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया वेब डेवलपमेंट का जब उसने एक प्रोजेक्ट दिया उसका मेन काम था आई ओ एस स्विफ्ट का कंपनी uh, थी यू एस की उसके प्रोजेक्ट्स होते थे आई यू एस स्विफ्ट के तो मुझे ये समझ आई कि जब मेरे को एक क्लाइंट मिला हुआ है एक एजेंसी मिली हुई है तो उसको मैंने कैश आउट करना था उसको कैश आउट करने के लिए मैंने साथ साथ उस क्लाइंट का पी एच पी का का काम करते करते आई ओ एस सीख ली पूरी अच्छा एक मैंने मैकबुक ली जाके मैंने यूज़ में मैकबुक देखी मेरे को अभी भी याद है मैंने ली थी टू थाउजेंड में मैकबुक ली थी 2013 के एंड पे या 14 में ली थी मैंने 14 में ली थी 2011 वो तो का MacBook was like, <laughs> 2011 का मैकबुक लाइक का मॉडल लिया था मैंने यूज राइट right. मैकबुक लेके उस पे मैंने आई सी की उस जमाने में आई का कोर्स भी इतनी आसानी से नहीं मिलता था एक डेव्स डेव्स लूप्स वाले होते थे अब तो उनकी भी प्रॉपर एक, एक अकेडमी बन गई है वो अच्छा और एक होता था स्टैनफोर्ड का कोर्स वो दो करके मैंने वहां से आई सी की पूरी फिर मैंने तकरीबन चार साल ए, तक ऑब्जेक्टिव सी एट दैट टाइम नो स्विफ्ट आ चुकी थी स्विफ्ट आ चुकी थी स्विफ्ट आ चुकी, चुकी थी चार साल तक मैंने आई यू एस उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स में पे काम किया है उसके लिए मेनली मैंने अकेले किया है बीच में ऐसे जरूरत हुई थी कि मैंने अपने दो मेरे कपल ऑफ फ्रेंड्स ने भी मेरे साथ काम किया उसके ऊपर जब अराउंड टू थाउजेंड सेवेंटीन जब ये क्लाइंट ये ऐसा क्लाइंट था जिसने मुझे स्कैम किया था बहुत बड़ा अच्छा करते 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 एंड में चार साल तक तकरीबन अराउंड थ्री एंड हाफ ईयर बहुत अच्छा रहा एंड में स्कैम करके गया मेरे साथ ये जब इसने स्कैम किया उससे थोड़ा सा पहले ही मैं ये चीज़ एक देख रहा था क्योंकि मुझे और चीज़ों में सेल्स चाहिए थी आई ओ स्विफ्ट की सेल्स आपको तब मिलेगी जब एक प्रॉपर आप एक बड़ी कंपनी हो और मेनली मैं ये मुझे ये लगता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के इतनी बड़ी आई यू स्विफ्ट की सेल्स नहीं कर सकते क्योंकि हमें मिलते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप छोटी जिस जिस लेवल पे मैं था उस वक्त मैं इंडिविजुअल काम कर रहा था तो मेरे से देखिए दो बंदे और थे मुझे आई कोई भी क्लाइंट बड़ा क्लाइंट इतना आसानी से नहीं मिलेगा जो एंड्रॉयड अलग से बनवाएगा आई अलग से बनवाएगा और उस वक्त रिएक्नेटिव नहीं नहीं आई थी या yeah. तो मैंने साथ देखा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी ये बिल्कुल नई चीज़ है लोगों को इसका पता ही नहीं है hmm. मैंने साथ रिएक्नेटिव सीखना शुरू कर दी अराउंड टू थाउजेंड न्यू रिया मेरे को पहले मैंने रिएक्ट नेटिव सीखे बाद में रिएक्ट सीखे के लिए। okay. <laughs> तो मैंने रिएक्ट नेटिव सीखना शुरू कर दी थी उसी जमाने में तकरीबन अराउंड ये बात है अर्ली टू की बात है मैंने रिएक्ट नेटिव सीखना शुरू कर दी थी उस ये तो अभी रिएक्ट बहुत इवॉल्व हो गई है अभी जो आप रिएक्ट कर रहे हैं उससे कम्पेरेटिवली कुछ भी नहीं है जो पहले वाली थी पहले ये yeah. होता था कि Class आपका क्लास बेस तो था ही था आपका बार बार आपका चलते चलते कोड रुक जाएगा पूरा कोड बंद करो फिर चलाओ इस तरह था राइट तो फिर वहाँ से मैंने रिएक्नेटिव करते 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 फिर मैं रिएक्नेटिव में आ गया ठीक है अच्छा एक तो आ, ये जर्नी रही है आपकी डेवलपमेंट और एजेंसी यू वर्क क्वाइट अ लॉन्ग टाइम यू टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट योर इंडिविजुअल गेट टू एन एजेंसी वट वॉज द रीज़न बिहाइंड बेसिकली होता रिस्क मेरे हिसाब से जो जितनी जल्दी रिस्क ले लेगा वो आगे जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया मैं पहले जितना काम आया मैंने अकेले किया सही है अकेले करता रहा मेनली मैंने जो टाइम लगाया वो मैंने सीखने पे लगाया फॉर एग्जांपल अभी ऑलमोस्ट मुझे सेल्स भी पूरी आती है मुझे मार्केटिंग का ऑलमोस्ट पूरा आइडिया है मुझे डेवलपमेंट का पूरा आइडिया है मुझे मेन चीज़ों का आइडिया है जिसके जब तक मैं आइडिया ले रहा था मैंने रिएक्टिव पूरी सीखी हर चीज़ का जब मैंने आइडिया ले लिया फिर मैंने ग्रो करना शुरू किया okay. फिर अराउंड टू में मैंने एल्गोस इस्टेब्लिश uh, की थी Uh, मुझे अभी भी याद है मेरा जो पहला ऑफिस मैंने बनाया था वो बनाया था 2017 में ठीक है सितंबर ऑफ 2017 सेवन उससे पहले आप इंडिविजुअली घर पे काम घर पे ही करता था।, था।, था, था अच्छा 2017 में बनाया था और वो ऑफिस ऐसा था मैं बताऊंगा आपको हार्डली 10 बाय 10 फीट का ऑफिस होगा सही है और एक है विंसी मॉल उसके अंदर वो इस तरह का ऑफिस था कि आपको रेंट पे वो लोग जो शॉप्स थी जब मॉल नहीं चल पाया तो उन्होंने इसके अंदर रेंट प okay. वो ऑफिस भी मेरा ऐसा था कि उसके अंदर सिर्फ एक टेबल मेरा था एक मेरे दोस्त का था हम शेयरिंग करते थे राइट right. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया अपना वो ऑफिस बनाया फिर बाद में वो दोस्त चला गया वो आईटी का नहीं था वो दूसरी फील्ड का था बाद में वो दोस्त मूव आउट हो गया फिर मैंने उसी ऑफिस में चार बंदों की जगह बनाई ठीक है चार इंटर्न्स रखे मैंने गेम डेवलपमेंट भी की हुई है वैसे उसके उसके अंदर अंदर दैट इज व्हाट आई टू आस्क हमने उसके अंदर हमने सबसे पहले हमें जो क्लाइंट के लिए हमने काम किया था सबसे पहले हमने गेम डेवलपमेंट की ही की थी ओके okay. हमने वहाँ पे गेम डेवलप्स की क्लाइंट के लिए दो गेम डेवलप की क्लाइंट को डेवलप करके दी बाकी एंड्रॉइड के, के इंटर्न्स थे हमारे पास उस उस वक्त से भी इंटर्न्स थे वहाँ से स्टार्ट किया फिर हम मूव हुए एक थोड़े से उससे बड़े साइज़ के ऑफ़िस में एक हमने रिस्क लिया बड़ा ऑफिस लिया हमने बोला चलो इधर रिस्क लेते हैं इसमें कुछ करेंगे अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू जैसे ये क्लाइंट उसी ये उसी टाइम की बात है जब क्लाइंट पैसे लेके चला गया जब क्लाइंट पैसे लेके चला गया थोड़ा सेटबैक आ गया फिर मुझे ज़्यादा फोकस हाउ मच एक ग्राफ फिगर तकरीबन कितना होगा अराउंड थर्टीन थाउजेंड डॉलर्स थर्टीन थर्टीन थाउजेंड डॉलर्स और ये बात है अराउंड टू थाउजेंड नाइनटीन के एंड की बात है अच्छा लॉट ऑफ मनी तो उस वक्त फिर जब ये लेके जब चला गया फिर मेरे को जब मैंने नया ऑफिस सेटअप तो कर लिया मगर मैं उसको स्केल ही नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप आ गया जो क्लाइंट लेके गया था mm. तो इसकी रिकवरी में कोशिश करता रहा नहीं हो पाया इतना काम आ रहा था कि बस मैं अकेले ही कर पा रहा था अच्छा, अच्छा। टीम को ग्रो सेल्स ही नहीं कर पा रहा था ठीक है तो सेल्स टीम बनाने का भी फायदा नहीं है कोई अगर सेल्स टीम में बनाता हूँ तो उसकी मैं सैलरी निकालना हर चीज़ आसान नहीं है फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट हुआ हूँ मैं छोटे ऑफिस में इसके बाद तकरीबन कोशिश की एक साल तक नहीं चल पाया ये मेरा अच्छा। एक फेलियर था पहले एक डेढ़ साल तक ऑफिस स्पेस थी मेरे लाइक मतलब टू 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 बी एबल एक्सेप्ट कि अभी ये सस्टेन नहीं हो पाएगा uh, जब मैं डेढ़ साल तक मैं रेंट पे हमने ऑफिस लिया हुआ था वो वाला और वो स्पेस थी अराउंड एटीन हंड्रेड स्क्वायर फिट स्पेस थी अच्छा जिसके अंदर हम टोटल तीन लोग बैठे हुए थे एटीन हंड्रेड स्क्वायर फिट में ओके डेढ़ साल तक बैठने के बाद हमने बोला नहीं अब बस हो गई है डेढ़ साल तक तीन बंदे बैठे हुए एटीन हंड्रेड स्क्वायर फिट में ठीक है तो जब वो पॉइंट आ गया तब हम आउट हुए एक छोटा ऑफिस हमने वहीं पे लिया 400 स्क्वायर फीट का जिसके अंदर हमने फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की ओके okay. फाइवर के ऊपर उस वक्त रिएक्ट नेटिव का लोगों को पता चलना शुरू हुआ तो मैंने ही रिएक्ट नेटिव के पैकेज इतने अच्छे कर दिए कि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव मैं लगने लग गया एज़ कम्पेयर टू अदर्स ओके वहाँ से मेरे को फिर रिएक्ट नेटिव का मेन काम आना शुरू हुआ था फिर मैंने अपनी टीम बनाना शुरू की वहाँ पे मेनली मैंने पहले मेरे को जो काम है मैंने आउटसोर्स किया थोड़ा सा फिर मैंने इंटरनली टीम अपनी बनाई वहाँ अच्छा। पे दो बंदे हायर किए हम लोग प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सही चल रहा था सब अच्छा चल रहा था वहाँ पे हमारा ये हुआ कि हम गए हैं ये कोविड की बात है कोविड आ चुका था कोविड का स्टार्ट था बिल्कुल जब वैक्सीन हो रही थी सबकी फ्राइडे ऑफिस बंद किया मुझे अभी भी याद है मैं मंडे की सुबह वैक्सीन का अपना दूसरा शॉट लगवाने जा रहा था मैं पहुंचा हूं शॉट लगवाया मैंने और मेरे फ्रेंड की कॉल आई है कि भाई ऑफिस के ताले टूटे पड़े हैं ओह माय गॉड और अंदर से सारा सामान खैबान सैर डी एच मैन सब कुछ गायब था अराउंडूटर्स कंप्यूटर्स आईफोन्स टेबलेट सब गायब था मगर ये अच्छा था कि उस वक्त तक हमारे पास क्योंकि क्लाइंट्स आ चुके थे और थोड़ा हमारे पास बैकअप बन चुका था हमने इमिजिएटली शिफ्ट किया ऑफ़िस हमने लिया इससे बड़ा ऑफिस हमने लिया अराउंड थाउजेंड स्क्वायर फीट का ऑफ़िस लिया उसके अंदर फिर मैंने वहाँ गई यही अपना ऑफिस मूव किया वहाँ मैंने सेल्स पे मेरा फोकस मेनली सेल्स पे ज़्यादा हो गया और मैंने डेवलपर्स हायर ज़्यादा कर लिया ओके जब डेवलपर्स इस तरह तकरीबन पाँच डेवलपर्स पे चार डेवलपर्स पे मैं पहुंच गया था यहाँ पे यहाँ चार डेवलपर्स और सेल्स मैं खुद कर रहा था साथ मैं खुद भी डेवलपमेंट कर रहा था राइट right. एक चीज़ मैं आपको बीच में बता दूँ कि यू वर इन शहर एग्जैक्टली एट दैट टाइम वी हैड मूव टू शहर कमर्शल वी हैड बेसमेंट ऑफिस और मेरे ख्याल है जब भी आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है ना उसके दो तीन महीने बाद बारिशें आई थी ऐसे ही है थंडर स्टोम और ब्रेन और उसमें जो बेसमेंट थी तो like अच्छा। तो मतलब शहर ठीक है यू मूव आउट न्यू ऑफिस फिर वहाँ पे इस ऑफिस में स्पेस ज्यादा थी और बेसिकली मैंने ये ऑफिस शेयरिंग पे लिया शेयरिंग यू कर लिया ने ले लिया लिया

फिर हमें अब ऑफ़िस छोटा पड़ना शुरू हो गया क्योंकि सेल्स हम लोगों ने ज़्यादा कर ली थी अपनी सेल्स बढ़ा ली थी और डेवलपमेंट की अब हमारे पास जगह नहीं बची थी ठीक है तब हमने ये जो अभी हमारा लास्ट ऑफिस आपने विजिट भी किया था इधर हमने ऑफ़िस लिया और अराउंड ट्वेंटी फाइव पीपल की जगह बनाई जिसमें ट्वेल्थ उसके टर्टीन स्पेसिस मेरी थी इस तरह था दिस ऑफिस जो अब करेंटली मेखल वहीं पर हैं अभी आप

अच्छा अगेन यू वर्क इन वेब डेवलपमेंट यू वर्क इन आई ओ एस वर्क इन रियाक्ट नेटिव जावर स्किप टेक्नोलॉजीज़ और उसके साथ गेम डेवलपमेंट तो हाउ डिफिकल्ट इट वर्स फॉर यू टू स्विच बिटवीन लाइक डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑल टुगेदर मोबाइल की अलग है वेब की अलग है और नेटिव अलग एक इंडस्ट्री है फिर गेम डेवलपमेंट तो कैसे कैसे हुआ सब चीज़ें एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जब इंडिविजुअल काम कर रहा था मेरे पास टीम नहीं थी मैं एक साथ पांच प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और पांच अलग चीज़ के थे माय oh गॉड। एक गेम डेवलपमेंट वन वन टाइम टाइम एक मेरे ख्याल से पी था एक आई की ऐप थी एक रियव थी एक पी था और एक गेम डेवलपमेंट था होता ये था कि कभी कभी किसी लैंग्वेज का सेंटेक्स दूसरे में आप लिख देते थे मगर फिर <laughs> वो याद आ जाता था <laughs> तो बहुत हुआ मेरे साथ ये मगर ये था कि उससे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मुझे हर लैंग्वेज का एक्सपीरियंस जो मिला और अभी करंटली अगर मैं अपने एज़ अ टीम देखूँ ये एक्सपीरियंस आपके अंदर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कितनी बार आपकी टीम कहीं स्टक हुई भी है एज अ सी ओ क्लाइंट क्लाइंट सेल्स टीम के बाद आपको यह अप्रोच करेगा वो आपको अप्रोच करने के बाद यही बोलेगा कि भाई मेरा काम डेडलाइन से आगे जा रहा है mm. फिर वहाँ पे अगर आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है तो आप बहुत हद तक चीज़ें सॉल्व कर सकते हो बेसिकली मैं कहूँगा अगर आपको इंडिविजुअल लैंग्वेज का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आप डाइवर्स एक्सपीरियंस से आप आए हुए होते हैं आपको हर चीज़ का आइडिया होता है hmm. कि इस चीज़ को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है वो बहुत हेल्प करती है राइट right. तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ इट वॉज़ मेनली बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस यू गॉट इन यूनिवर्सिटी स्टडिंग अलाट ऑफ डिफरेंट कोर्सेस या बेसिक आपके बहुत अच्छे रहे या फिर ये कि ये एक जनरली एक चीज़ है जो कि कोई भी उस मैंटेलिटी के साथ मतलब करना चाहे तो वो कर सकता है ये कर, जो करना चाहे वो कर सकता है फॉर एग्जांपल मेरे को शुरू से ही था कि कुछ कर आपको बिजनेस में जाना है मैंने उसके लिए मैंने स्टार्टिंग लर्निंग लर्निंग ही शुरू कर दी मैंने यूनिवर्सिटी तो अपना पढ़ाई पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी देखें कंप्यूटर साइंस की डिग्री ये नहीं है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीज सिखाएगी वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कभी भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं सिखाएगी सिखाएगी तो अगर किसी को ये लगता है कि मैंने डिग्री कर ली और मेरा अपना बिजनेस बना लूँगा ऐसा नहीं है आपकी अपनी कंपनी है मेरी अपनी कंपनी हम दोनों ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है हमारे पास जो आ, स्टाफ है उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस किया हुआ डिफरेंस yeah. ये है कि हमें ये देखना होता है कि हमें जो हमारे स्किल्स हैं उसको हमने बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करना है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले से ही सोचना होता है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किया मैंने क्या किया मैंने उसी वक्त जो यूनिवर्सिटी वाले पढ़ा रहे थे मैंने देखना शुरू ये कर लिया कि फ्रॉम द बिज़नेस परस्पेक्टिव कौन सा प्लेटफॉर्म है जो मार्केट में है ना जिस मैं काम कर सकता हूँ उस हिसाब से मैंने काम करता गया फ़ॉर एक्जाम्पल अगर मैं अभी की बात करूँ अभी कोई यूनिवर्सिटी में है उसके लिए सबसे बेस्ट बेस चीज़ ये यूनिवर्सिटी में तो पढ़ ही पढ़ रहा है साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर वो ए आई का प्लेटफॉर्म बेसिक अभी सीखना शुरू कर दे सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स की शुरू कर दे वेबसाइट के अंदर मेरे हिसाब से वो ऑनलाइन फ्री लांसिंग आराम से कर सकता है राइट आपको इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को लेके आना है सीधी सी बात है ठीक है अच्छा थ्रू आउट uh, जो आपकी जर्नी रही है एज एन एजेंसी उसमें मेन प्रॉब्लम अभी तक आपको क्या नज़र आया है कि वो सेल्स मेन प्रॉब्लम है या फिर अच्छे आपके साथ टीम मेम्बर्स हों दैट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग देखिए टीम अच्छी होना ज़रूरी है uh, क्योंकि मेनली है ही यही कि डेवलपर्स जो आजकल एक मैं ये बोलूँगा कि कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो लर्निंग पे फोकस करते हैं कुछ होते हैं वो अर्निंग पे फोकस करते हैं जो अर्निंग पे फोकस करने वाले हैं वो बेसिकली कंपनी के लिए कहीं ना कहीं जाके नुकसान करते हैं अच्छा क्योंकि उनको है ही यही कि वो आपके लिए सीखेंगे नहीं वो नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं एक स्टाफ को अपने देख रहा था वो एक चीज़ लर्निंग के लिए क्या काम कर रहा है उसने किसी का कोड समझना उसने डायरेक्ट चैट जी पी टीपी डाला अच्छा। मेरे को याद है हम लोग क्या करते थे हम लोग बेसिकली कुछ समझने हम लोग जाते थे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते थे उस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को समझते थे ये जनरेशन जो नई अभी मैं कहूँगा कोविड के बाद की जो आई है ये वाली इन्होंने ऑनलाइन वाली ऑनलाइन वाली जो आई है इन्होंने समझना नहीं है चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ किसी ने रिएक्टनेटिव का कोड समझना है इन्होंने रिएक्टनेटिव की डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ेंगे ये सिर्फ उतना ही कोड समझेंगे चैट जी में डाल के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे वो टम्प्रेरी सॉल्यूशन निकलेगा आगे जाके कहीं फंस जाते हैं ये लोग मेन मेरे हिसाब से मसला ये आ गया हुआ है बाकी मेरे को जो डिफ़िकल्टी रही है वो रही है सेल्स में अच्छा। अभी तक अगर मैं बोलूँ मैं इंडिविजुअल सेल्स पर कर रहा हूँ मैं काम अभी तक मैंने सेल्स टीम नहीं बनाई अभी तक जिस जो अब हमारी कंपनी का मेन मैंने का फोकस है वो हमारा मेन फोकस ही यही है कि प्रॉपर सेल्स प्लस मार्केटिंग टीम बनाई जाए ठीक है सेल्स टीम की भी अलग अलग चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए सेल्स क्या है कि यार पर फाइबर प्लेटफॉर्म के लिए बिडर रख लिए इन्होंने बिड की बिड से सेल्स निकाल ली सेल्स बन गई मैं इसको सही से सेल्स नहीं मानता ठीक है मेरे लिए जो सेल्स है जो भी मेरा जो करंट फोकस है और जो मुझे लगता है कि जिसको मैं प्रॉपर सेल्स कह सकता हूँ वो मैं बोलूँगा पीपीसी मॉडल है अच्छा एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए जिसका आपका काम क्या है आपका अपनी वेबसाइट की प्रेजेंस है आपकी अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस है आपके जो यू आई वाले हैं वो आपकी वेबसाइट को अप टू डेट रखें यू एक्स देखते रहें किस तरह परफेक्ट कर सकते हैं अपडेट करें जब वो लोग अपने आपकी यू अप टू डेट रख रहे हैं उसके बाद आपके कंटेंट राइटर देखें कौन सा कंटेंट ऐसी ऑप्टिमाइज कंटेंट हो कंटेंट लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कितनी बार नोट करता हूँ वेबसाइट पर ब्लॉग्स बने हुए होते हैं उसमें कॉन्टेंट कुछ अच्छा है ही नहीं जब कंटेंट वही आप लोग मसला ये आ गया ना लोग डायरेक्ट चैट जीपीटी को कह रहे हैं भाई हमें कंटेंट तो लिख के दे दो अपनी नॉलेज से किसी ने नहीं लिखना कंटेंट जब अपनी नॉलेज से आप कंटेंट लिखेंगे ब्लॉग के अंदर आपकी वेबसाइट अच्छी जाएगी इसके ये पीपीसी मॉडल भी एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ तक अभी तक मैंने मुझे समझ आई है यही सिर्फ ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट बनी हुई आपने इस पर पी पी चला दिया एड्स आगे हो गया इस तरह नहीं अच्छा है। इसके लिए आपकी प्रॉपर ऐसी ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए कंटेंट होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है ईमेल मार्केटिंग साथ आपने लिंक करनी है अच्छा। फिर पीपीसी मॉडल के लिए आ, अगर कितने लोगों को लगता है हमने एक बंदा हायर किया उसका काम किया डिजिटल मार्केटिंग देखना प्रॉपर हर चीज़ वो अकेले देखेगा मेरा मानना ही है इस तरह नहीं है अच्छा हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है पेड पार्टनरशिप का एक स्पेशलिस्ट है एडवर्टाइजमेंट के लिए आपका एक पीपीसी का अलग स्पेशलिस्ट है वो सब होने चाहिए ताकि वो हम लोग उस हिसाब से प्रॉपर चीज़ें बनाएँ थोड़ी देर पहले अभी आपसे बात हो रही थी जैसे मैं आपको बता रहा था मसला ये आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का हम बंदा रखेंगे बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ लेता हूँ मैं उनको एक्सपीरियंस है तीन साल का चार साल का उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता यूज़र पर्स क्या होता है आपका एक बायर परसोना होता है आप hmm. किस क्लाइंट को टारगेट करना चाह रहे हो आप उसका एक परसोना बनाओगे hmm. फिर आप उसको आप टारगेट कर सकते हो वरना तो मतलब यू कैन गो इन ऑल और absolutely, absolutely. इस तरीके से में है यही कि आपका बजट ऐसे खत्म होगा आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है hmm. तो आपको प्रॉपर मेरे मैं बोलूँगा जो मेरे स्लो प्रोसेस का भी एक रीज़न यही है कि मैं चीज़ों को इन राइट वे करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जैसे मैं अपनी फेलियर से सीखाऊँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप बोलते हैं कि आपने फ़ौर रिस्क ले लिया इसमें अगर हम फेल होंगे तो हम सीखेंगे अब मेरा करंट फोकस ये है क्योंकि मैं एक एक डिकेट से इस इंडस्ट्री में पहले से ही हूँ जो करंट फोकस मेरा ये है कि फेलियर मेरे को मिनिमाइज करनी है ठीक है यू हैव ऑलरेडी मतलब डन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तो ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प अच्छा इसके अलावा अभी कन्वर्जेशन हमारी चल रही थी कि एक तो सेल्स चैनल है उसके बाद प्रोडक्शन है एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि हमें पेमेंट रिसीव करनी है तो अभी करंट टाइम पे मतलब पेनियर जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है उस जैसी मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं इंडिविजुअल है तो वो आप कार्ड से पेमेंट ले सकते हो एजेंसी है तो आप ए आपको अनेबल करता है इवन वाइड ट्रांसफ़र वो अनेबल करता है मैंने अपने यूरोपियन क्लाइंट से जब मैंने कहा कि मेरे पास यूरो बैंक अकाउंट है था नहीं लेकिन वो देता है पेनियर देता है तो ही वज़ सो हैप्पी एबल टू मेक द पेमेंट तो मेरे ख्याल पेनियर की वजह से ये जो पेमेंट वाला प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो चुका है अच्छा इसके साथ एक और चीज़ ये भी है कि पेनीयर एक्सटेल एंड ऑनलाइन सर्विस ठीक है आपको एक फ़िज़िकल बैंक अकाउंट चाहिए जो कि लाइबल भी हो ठीक है जिसको आप मतलब सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें भी आप देख सकें तो उसके लिए आई नो यू हैव नाट ओपन एन अकाउंट इन यू तो यू वेंट फॉर दुबई यस तो वट वाज द रीज़न बिहाइंड देखिए इसके अंदर मेन रीज़न ये है कि दुबई आपके करीब एक्सेस है यू आई बहुत करीब एक्सेस पड़ता है लोगों को लगता है कि हम सिर्फ यूएस में बैंक अकाउंट खोल लें तो हम सब कुछ कर सकते हैं जहाँ तक मैंने क्लाइंट तकरीबन अगर मैं बात करूँ मोर देन थाउजेंड क्लाइंट्स से मैं अभी तक मीटिंग कर चुका हूँ एट हंड्रेड डिफरेंट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी तो मेरे को जो उससे समझ आई है उसके अंदर यही मुझे समझ आई है कि सिर्फ़ बैंक अकाउंट ओपन यू में करने से वहाँ पर सेटिसफाई नहीं है वो लोग hmm. वो आपके बैंक यू के बैंक अकाउंट में पैसे देने की जगह वो आपको पे में भी दे, दे देंगे उसमें उनको कोई इशू नहीं है नहीं तो डायरेक्ट पाकिस्तान भी ट्रांसफ़र कर देंगे उनको जो मेन इशू है वो एक आपसे सेटिस्फेक्शन चाहिए आपकी ऑनेस्टी चाहिए जो मुझे लगता है कि हम लोग की इंडस्ट्री में लोग भूल चुके हैं अभी मैं अगर आपको देखें आप करीब में सिर्फ आप नोट करेंगे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं सेल्स की टीम क्या बोल रही है मेरा नाम जॉन है मेरा नाम कुछ है मतलब वो लोग आप अपने असली नाम पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं एक क्लाइंट से मेरी मीटिंग हो रही थी आ, अच्छा वो क्लाइंट को भी बेसिकली यू पसंद है मेरे से यूए ही आया हमने मीटिंग की तो उसने मुझे यही बोला कि मेन जो है ना कोविड के बाद जो लो, हम लोग को समझ आई है एज वो है यूके का उसने बोला एज ए ब्रिटिशर जो मुझे समझ आई है यू वालों को भी जो चीज़ समझ आई है कोविड के बाद हमें ये समझ आ गई है कि काम कहीं से भी हो सकता है अच्छा हमें ये जरूरत ज़रूरी <coughs> नहीं है कि बंदा यू में ही बैठा हुआ तो काम <coughs> करेगा हमें ये भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान इंडिया इधर बहुत स्मार्ट लोग हैं <coughs> ये लोग काम करके देंगे मेन मसला सिर्फ आ जाता है ओनेस्टी का उनको ऑनेस्टी चाहिए बात वही है अगर हम लोग मोस्टली लोग यहाँ पे वही काम कर रहे हैं यहीं से बैठ के जब किसी और को इम्पर्सनेट कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं ये बात कर रहा हूँ मैं ये, आप असली नाम पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं hmm. दुबई का मेरा रीज़न ये था कि मैंने दुबई में कंपनी खोली एक्सेस बनाया करीब अगर मेरे से किसी क्लाइंट ने मीटिंग करनी है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है मेन तो मैं दुबई में आके आपसे करूँगा क्योंकि एक रीज़न ये है जो मुझे मिला कुछ क्लाइंट से कि पाकिस्तान में लॉ जो है आप लोगों का अगर हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस लॉ पर हम अप्लीकेबल कैसे होंगे किस तरह प्रोसेस होगा तो इसका सॉल्यूशन निकालना था मुझे सॉल्यूशन जैसे आपने बोला यू में कंपनी खोल लो तो दुबई में खोल लो अब आप मुझे ये बताएं अगर आपको कोई एक क्लाइंट सिर्फ कोई बड़ा क्लाइंट नहीं है नॉर्मल क्लाइंट है बोले यू मेरे से मीटिंग करने के लिए एक मीटिंग के लिए आ जाओ छोटी मीटिंग के लिए आप जाओगे क्या क्या जाना है सोलह घंटे की जाने की फ़्लाइट है दुबई से ओवरऑल मेरे ख्याल चौबीस घंटे आपको लग चौबीस घंटे लग जाते हैं अब वही चीज़ अगर आप यू में रखो यू ए में रखो मगर उसमें फ़र्क यह आ जाता है यू के क्लाइंट्स यू नहीं आना चाहते अच्छा, तो आपको थोड़ा सा सेगमेंट चेंज करना चाहते नहीं आता है यू एस क्लाइंट अच्छा। थोड़ा सेगमेंट आपका चेंज हो जाता है यू में जब आप जाते हो तो आपको क्लाइंट्स यूरोप और यू वाले क्लाइंट आ जाते हैं अच्छा जितने क्लाइंटों से मैंने मीटिंग की है आज तक यू में वो इसी साइड के यू और यूरोप के हैं ओके आपने उनको स्पेसिफिकली इन्वाइट किया दुबई आने के लिए यहाँ वो दुबई आ रहे थे वो दुबई आ रहे थे तो उन्होंने साथ मुझे भी बोला तो मैं भी चला गया वहाँ हमने मीटिंग कर ली मगर इससे ये हो जाता है फेस टू फेस मीटिंग से बहुत बेनिफिशियल हो जाता है ये तो मुझे okay. ये बहुत बेनिफिशियल लगा वहाँ पर दूसरा ये है जो आपके कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि दुबई में मेनली रीज़न ये है कि अगर यूएस का क्लाइंट है उसको पाकिस्तान की कंपनी पे भरोसा नहीं है क्योंकि उसको लॉस पे भरोसा नहीं है hmm. उसको यू की कंपनी पे भरोसा है यू के लॉ पे भरोसा है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया यू ए की कंपनी के थ्रू hmm. उसको पता है कि इस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि लॉ स्ट्रॉ है सही तो है तो मेन रीज़न मेरा ये है ठीक है तो क्या प्रोसेस रहा आपका रजिस्ट्रेशन करने का वहाँ पे हाउ मच डज इट कॉस्ट और क्या क्या उसके साथ आपको फैसिलिटीज या वीजा वगैरह की क्या फैसिलिटी मिल जाती है डिपेंड करता है कि आपको उसमें अलग-अलग चीजें फॉर एग्जांपल आप विदाउट वीजा भी ले सकते हैं अच्छा मगर अगर आप विदाउट एम्बेडेड आईडी लेते हैं तो आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते अच्छा नहीं जब बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो मेन रीजन ही फायदा नहीं, <laughs> नहीं। <laughs> अब बैंक फिर वीजा के भी अलग-अलग हैं डिपेंड करता है कि आपको सिंगल वीजा कंपनी खोलनी है मल्टीपल वीजा कंपनी खोलनी है फ्री जोन में खोल लो मेन लैंड में खोल लो ओके मैंने जैसे खोली फ्री जोन में हमारी सर्विसेज के लिए बेसिकली आईटी के लिए फ्री जोन बेस्ट है ओके फ्री जोन में मुझे कॉस्ट आई है अराउंडी ट्वेंटी आई है दो साल के लिए विद वन वन साइड अब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने बस टिकट लिया चले गए क्लाइंट ने बोला कल मीटिंग आपने करनी है आपने कल का टिकट लिया आप चले गए आपको वेट नहीं करना वीजा आएगा नहीं आएगा टिकट लेके पहुंच जाओ ठीक है दैट इंक्लूड्स योर योर फैमिली फैमिली उसको डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं अच्छा उसके लिए फैमिली को आप अप्लाई कर सकती है आपकी फैमिली आपके थ्रू अप्लाई कर सकती है उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा

तो हाउ योर एक्सपीरियंस बेन इन टर्म्स के आपने वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाया है पैसा पार्क करने के अलावा और मतलब क्लाइंट एक तो वो आपने बात कर ली एन वाली ठीक है उसके अलावा ऐसा भी हुआ है कि भाई दुबई का क्लाइंट आपको मिल गया बिकॉज यू हैव योर कंपनी इन इन दुबई दुबई में काम बहुत है मैं अभी उसी पर रिसर्च कर रहा हूँ मगर उसके लिए बात हुई है ना अगर आप दुबई में सेल्स पे फोकस करेंगे तो क्लाइंट मिलेगा ना आपको अच्छा वो ऑल टुगेदर एक अलग एक अलग टॉपिक आ जाता है पूरा आपने प्रॉपर एक सेटअप किया एक सेल्स पे फोकस किया मैंने अभी तक दुबई में फोकस ही नहीं किया ओके okay. दुबई में मैं फोकस करूँ तो दुबई अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी बहुत आगे निकल चुकी है फोकस आप करना शुरू करें बहुत काम है मार्केटिंग में बहुत है से आप सऊदी भी जा सकते हैं मतलब पूरा वीजा लेना लेना पड़ता है है अच्छा पड़ेगा वो वो अलग केस कुछ स्पेसिफिक कंट्री है फॉर एग्जाम्पल अजरबाई जान का आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है इस तरह से क्योंकि हम लोग एमरिड साइडी हैं मगर हम लोग एक्सपेक्ट्स हैं

मेरे को जो लगता है डेवलपमेंट से ज़्यादा इंजीनियरिंग से ज्यादा बिजनेस मार्केटिंग में अच्छा जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि मार्केटिंग ऑन गोइंग क्लाइंट को डेली मार्केटिंग चाहिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपके क्लाइंट आया उसने बोला मुझे मोबाइल ऐप बना दो साल में आप बना दो कि उसमें मैंटेनेस हाँ. करते रहोगे थोड़ी बहुत कभी उसने फीचर डलवा ली बीच में मार्केटिंग तो उसको डेली चाहिए मार्केटिंग के बगैर ऐप फ्लॉप है मेन ऑफ हैं वो भी मंथली बेसिस के ऊपर बिलियंस ऑफ बिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन मार्केटिंग ऐसे ही है ऐसे ही है। मैंने अभी तक बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया हैं मैंने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज भी हमने बना के दिए लोगों को उनकी ऐप बना के दिए मैंने ये नोट किया है आइडिया लोग बनवा लेते हैं मार्केटिंग पर पैसे नहीं लगाते क्लाइंट्स आइडिया फ्लॉप हो जाता है एक हमारा क्लाइंट ऐसा था जिसकी ऐप बिल्कुल सिंपल थी बेसिक उसने स्टार्ट की उसने मार्केटिंग पे बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट किया उसने तीन साढ़े तीन साल से हम उसके साथ काम कर रहे हैं उसके पास मंथली एक एक्टिव यूजर्स एक लाख से ऊपर एक्टिव सब्सक्राइबर दस हज़ार से ऊपर हैं उसके अच्छा क्यों क्योंकि वो मार्केटिंग बहुत हैवी कर रहे हैं वो बात आती है मार्केटिंग पे मेरे जो भी मैं कभी भी अपने क्लाइंट से बात करता हूँ मैं उसको यही समझाता हूँ आपका प्रोडक्ट आपका आइडिया मार्केटिंग के बगैर कुछ नहीं है अगर आप मार्केटिंग के बारे में नहीं सोच रहे तो आप डेवलपमेंट नहीं करवाओ अच्छा मार्केटिंग के बगैर मैंने अच्छे अच्छे आइडिया फ्लॉप होते हुए देखे हैं इवेंचुअली <laughs> क्या होता है आप मार्केटिंग नहीं कर रहे होते क्लाइंट नहीं मिल रहे ऐप मैंटे मेंटेन आप कर नहीं पाते फिर एक साल दो साल बाद स्टोर वाले ऐप स्टोर गूगल स्टोर हटा देते हैं आपकी ऐप तो

तो जो उनकी नॉलेज थी वो नेक्स्ट लेवल थी अच्छा तो मैंने अभी मैं खैर अभी मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है मैं अभी वो भी कोर्स कर रहा हूँ एक और चीज़ होती है क्लाइंट को गाइड सही करना क्या करना गाइडेंस सही प्रोवाइड करना फॉर अच्छा। एग्ज़ाम्पल आपको कोई पुराना जहाँ क्योंकि अभी मैं सेल्स टीम बना रहा हूँ अभी तक बनी नहीं है मैं खुद सेल्स करता हूँ तो मेरे को क्लाइंट से इंटरेक्शन डायरेक्ट होती है मेरी अभी तक तो मैं कोशिश करता हूँ गाइडेंस अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर सकूँ इसके लिए मैंने क्या किया रिसेंटली एक कोर्स कंप्लीट किया लॉन्चिंग टेक वेंचर्स इट्स बाई हारवर्ड कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो उस कोर्स में उन्होंने मुझे वो चीज़ें सिखाई जो मुझे भी नहीं पता थी कुछ क्लाइंट हैं जो टेक वेंचर जिनके मोबाइल ऐप सक्सेसफुल मोबाइल ऐप चल नहीं है चार साल से पाँच साल से अच्छा उसके अंदर कुछ ऐसे मेरे टर्म्स थे उस कोर्स के अंदर सिर्फ मैंने जाके उनसे पूछा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उनसे पूछा आपका कोहट रेट क्या है आपका चर्न रेट क्या है उन hmm. क्लाइंट्स को पता ही नहीं है तो जब ये चीज़ें आपको नॉलेज होगी और कोई आपके पास आ रहा है या मेरा आइडिया है मैं अपने स्टार्टअप में ये काम करना चाह रहा हूँ और आप उसको ये सारी नॉलेज साथ प्रोवाइड करते हो तो ये उसके लिए बोनस हो जाता है एक ओ ये तो मैंने ये रिसेंटली कोर्स खत्म किया अभी मेरा ये कोर्स कंप्लीट हुआ ट्वेंटी एट फेक को कम्प्लीट हुआ है मगर मैंने ऑलरेडी जो मैं अभी अपने क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा हूँ उनको इस चीज़ पर गाइडेंस शुरू कर दिया मैंने ऑलरेडी ये यू यू आर आर नॉट सेलिंग बट मेकिंग रियलाइज कि हाउ इट इज़ Ultimately, Absolutely. A customer for marketing as well. Absolutely. अगर मैं उनको ये रियलाइज करा रहा हूँ तो वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं इनको अपनी कंसल्टेशन देता हूँ थोड़ी सी इनके पैसे ले लूँगा कंसल्टेशन के अल्टी रेट मैं ये सोच रहा हूँ मैं इनको कितनी वैल्यू अप्रंट देता हूँ hmm. तैके मेरे को आगे जाके काम दें मैं आपको yeah. एक एग्जाम्पल देता हूँ इसी कोर्स में मैंने केस स्टडी पढ़ी कोड uh, अकेडमी की जैक इज दी ऑफ देट कोड अकेडमी ऑलमोस्ट मेरे को ईयर्स सही याद नहीं है मेरे ख्याल से फोर या फाइव ईयर्स विदाउट एनी मोनीटाइजेशन बन हुआ अच्छा एक दिन में मेरे ख्याल से उनके पास या पहले वीक में शायद दो लाख यूज़र्स उनके पास आ गए थे फिगर्स मुझे सही याद नहीं है अभी मगर विदाउट एनी मोनिटाइजेशन वो चलते रहे फिर उनको तकरीबन मेरे ख्याल से दो साल बाद या तीन साल बाद ही उनको बिजनेसिस ने अप्रोच किया था आप हमारे लिए एक अलग वर्जन बनाओ और उनके चेक सामने उनके लिए रेडी पड़े हुए थे कि आप हमारे लिए एक अलग वर्जन बना दो वीक में एक दफ़ा आपका बंदा आए वो आके हमें ट्रेनिंग भी दे आप हमारे लिए बनाओ बिजनेस कोर्सेज उन्होंने वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया अच्छा उससे मैंने ये सीखा आप होते मैं होते हम लोग मुझे लगता है हम लोग एक्सेप्ट कर लेते <laughs> मैं तो ऑलरेडी ऑलरेडीप्ट कर चुका हम लोग एक्सेप्ट कर लेते उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि शुरू में एक्सेप्ट करने में चेक लेना आसान है इसमें लिमिटेशन किया उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म पूरा कंटेंट जो पाँच साल से रन हो रहा है किसके लिए इंडिविजुअल फ्रीलांसर ये इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बना हुआ है मेनली फॉर बिगनर्स अब अगर वो बिजनेसिस के लिए बना रहे हैं तो उनको कॉन्टेंट अपना चेंज करना है एडवांस कॉन्टेंट पे mm -hmm. फिर उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है बिजनेस में एक हफ्ता जा एक वीक में एक दफ़ा जाके mm -hmm. उनको सर्विस प्रोवाइड करना ये सब बहुत मुश्किल काम है ईजियर सेट ईजियर सेट तो फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से पाँच या छः साल बाद जाके अपनी मोनेटाइजेशन में एक प्रो के नाम से पैकेज स्टार्ट किया था oh, yes. जिसके अंदर उन्होंने मोनेटाइजेशन स्टार्ट की इंडिविजुअल्स को ही फोकस रखा उन्होंने उन्होंने बी टू सी रखा बी टू सी बी टू बी पे नहीं गए एंड तक नहीं गए इवेंचुअली उन्होंने अपनी कंपनी सेल की है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी मिलियन डॉलर्स और फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट मिलियन डॉलर्स में wow. तो ये इस तो ये चीज़ आ जाती है इस चीज़ से मुझे ये समझ आती है कि आप कस्टमर को वैल्यू पहले दो पहले आप उसको अपनी स्किल्स दिखाओ आप कैपेबल हो नहीं हो ऑनेस्ट रहो मसला हमारे यहाँ ये आ जाता है मैंने अक्सर ये देखा है हम लोग किसी को टाइम देंगे जैसे कॉल्स पे अक्सर होता है अगर आपने आप भी नोट करते होंगे ये क्लाइंट को आपने 9 बजे का टाइम दी वो 9 बजे कॉल पे लॉग इन हुआ हुआ हो hmm. हमारे यहाँ अभी भी लोगों का यहाँ मसला है कॉल पे ज्वाइन करेंगे छः मिनट बाद सात hmm. मिनट बाद क्लाइंट को मैसेज करेंगे मैं कॉल पर हूँ आप कहाँ वो hmm. आगे जा चुका है आगे जा चुके हैं <laughs> उसके पास टाइम नहीं है आपके वेट करने के लिए yeah. हम लोग को अपने आप को पंचुअल बनाना पड़ेगा yeah. I'll tell you a तो एक प्रोडक्ट मैनेजर थे तो अब हुआ ये कि शुरू में मीटिंग्स होती आई यूज टू टेक केयर ऑफ द टाइम तो एक दो मरतबा ना लेट हो गया मैं तो दैट लाइक तो थ्री टाइम्स इन अ मंथ चौथी दफा हुआ ना तो मैं आया हूँ तो उसने मुझे कैलकुलेशन बताई उसने कहा कि इट्स नॉट यर थ्री मिनट्स वी आर सेवन पीपल इन द कॉल इट्स सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन मिनट्स लॉस्ट ठीक है तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है तो फिर उसके बाद फिर आई यूज टू मेक श्योर के क्लाइंट की जो भी मतलब नॉट ओनली कि मैं टाइम पर जॉइन करूँ बट ऑल्सो कि उसको रिमाइंडर्स भी भेजूँ मैं कि अगर वो कहीं अलाइन नहीं है अभी कहीं आ, आगे पीछे हुआ हुआ है क्योंकि मेरे ख्याल है फाइवर के ऊपर अभी भी वो स्केजलिंग वाला नहीं। फीचर नहीं है मगर प्रो जो हैं सेलर उनके लिए ये फ़ायदा है कि वो आउटसाइड फाइवर कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छा हाँ तो जब मैंने ये जैसे ही मैं प्रो बना मैंने फॉरन कैलेंडली सब्सक्राइब किया कैलेंडली का अपना मैंने कैलेंडर लिंक कर दिया अब मैं डायरेक्ट क्लाइंट को कैलेंडली का लिंक देता हूँ वो अपनी कॉल बुक करता है कैलेंडली पे जब वो बुक कर लेता है उसको ऑटोमेटिक रिमाइंडर जा रहे हैं कैलेंडर के, के वर्क फ्लो बने हुए हैं अच्छा वैसे मेरी प्रोफाइल भी प्रो हुई भी है मुझे वो नजर नहीं आया नहीं कैलेंडली आपने अपना अलग से सेटअप करना है ठीक है उनका तो चल ही चल प्रो में आपने ऑन बोर्डिंग कॉल ली थी प्रो की नहीं ऑन बोर्डिंग कॉल नहीं हुई मैंने मैंने ली नहीं वो मुझे उनकी तरफ से ऑफर मिली तो वो मैंने वो सब्सक्राइब कर ली एंड दैट इज़ इट जब वो सब्सक्राइब आपको ऑन बोर्डिंग कॉल लेनी होती है ऑन अच्छा, बोर्डिंग में ये सब बताते हैं आपको क्या okay. आप बाहर पेमेंटिकेट कर सकते हो क्योंकि उनको पता है आप प्रो आप इवेंचुअली बिजनेस फाइबर पे लाओगे क्योंकि अगर फाइबर पे लाओगे तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी अच्छा, लोगों के मैंटैलिटी ये भी एक गलत है फाइबर एक आपको सर्विस प्रोवाइड करा है ना अपने पी चलाने हैं ना कुछ चलाने हैं आप फाइबर से बाहर क्लाइंट को लेकर चले जाते हो अपने बीस परसेंट बचाने के लिए एग्जैक्टली टू कम एक जो रीज़न मुझे नज़र आया ना आपकी प्रोफाइल की सक्सेस का वो ये यू हैव ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर अटैकेट ए न्यू स्टेट स्टिक टू द प्लेटफॉर्म अब हुआ ये कि 2018-19 अठारह में जब हमने स्टार्ट किया तो 17 आई गेस वॉज द स्टार्टिंग टाइम जब मैंने फाइबर को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया था तो uh, क्लाइंट्स आना शुरू हुए छः महीने आठ महीने साल डेढ़ साल मैक्सिमम मेरे खाल है दो साल आई वॉज जस्ट होपिंग टू बिकम मतलब एजिंग टू बिकम लेवल टू सेलर जैसे ही मेरे फिफ्टी ऑर्डर हुए हैं मैं लेवल टू सेलर हुआ हूँ मैंने कोई ऑर्डर जो है ना फाइवर पर नहीं लगाया और उसके बाद फिर हुआ ये कि वी वर जैसे मैं कह रहा था वी वर वेरी ऑक्यूपाइड विद द बिजनेस वी वर गेटिंग थ्रू रेफरल्स कनेक्शंस और रिपीट क्लाइंट्स तो दो तीन साल तक तो वो प्रोजेक्ट चलते रहे अब हो कि दो हज़ार बाईस में व्हेन जो हमारे रेगुलर रिपीट क्लाइंट्स थे उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए या इधर उन्होंने बिल्ड कर ली इन हाउस टीम तो उस टाइम पर फिर मैंने सोचा कि यार फाइबर को दोबारा से एक्टिव किया जाए और डेढ़ दो साल से दोबारा से एक्टिव की हुई है और एक चीज़ हमने की है कि जितना भी बिजनेस आया ना वो वापसी मतलब वो वहीं पे हमने रखा है उसको उसको बाहर नहीं निकाला और उससे वही है कि वो ट्वेंटी परसेंट तो आप देते हो फाइवर को बट वो ट्वेंटी परसेंट का जो रिटर्न है ना वो फाइव टाइम्स टेन टाइम्स इन सम केसेस फाइव हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड टाइम्स फाइव हंड्रेड टाइम्स वो मंथ मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर वो आपको रिटर्न कर रहा होता है ठीक है और इन योर केस आई थिंक दैट वॉज दस इज सक्रेट के बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है अब वक्त के ऊपर भी वो एक uh, एजेंसी ओनर है uh, सेवन सोल्यूशन के इरफान मलिक आई वॉज टाकिंग दिशान अर्यर इन द पॉडकास्ट कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब वक्त के ऊपर जो सक्सेस रही है ना वो सिर्फ एक ही चीज़ रही है कि मैंने अपने क्लाइंट्स को यहीं पर रखा है और हो ये जाता है वो ही इज टेलिंग कि उसकी अलहमद ला एक मिलियन डॉर से ज़्यादा अर्निंग है सिर्फ अफवर्क के ऊपर जो प्रोफाइल पे लगा हुआ है तो यू इज सेंग मुझे जो जॉब्स नज़र आती है ना लिस्टिंग में वो हर बंदे को नज़र भी नहीं आती क्योंकि अफवक का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, है कि आपको हर इंडिविजुअल को उसके हिसाब से जॉब पोस्टिंग दिखाता है वो दे देसो वॉन्ट टू मेक मनी क्लाइंट अगर एक लाख डॉलर देगा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर देल स्ट्रेट अवे मेक एंड दे वुड कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे उन वो भी तो एक प्रोडक्ट रन कर रहे हैं ना उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट से कनेक्ट करवाना है बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स कनेक्टेड विद बेस्ट बेस्ट ऑफ द विदर्स तो वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल वैलिडेट uh, करती है जो माशाल्लाह आपकी सक्सेस के पीछे मतलब काफी सारी चीजें ऑफकोर्स The kind of and you have, that, मुझे लगता है 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 कि ये ये भी एक आ, आ है। ये एक क्राइटेरिया रहा मेन पॉइंट लोग यही नहीं सोचते हो और 20 परसेंट के चक्कर में मेन मसला ये है कि जब आप लोग स्टार्ट करते हैं उनको ये आइडिया ही नहीं है कि जो मार्केटिंग है वो कितनी एक्सपेंसिव पड़ सकती है हाँ आउट ऑफ फाइव अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट लाना है लीड्स कितनी महंगी पड़ती हैं लोगों को ये आइडिया ही नहीं है अगर उनको ये चीज़ का आइडिया पता चल समझ आ जाए कि बेसिकली क्या है वो कभी भी 20 परसेंट फाइवर कोई दे देंगे वो कहेंगे आ, नहीं फाइवर ले ले बेहतर <laughs> ना हमारे को मार्केटिंग टीम मैनेज करनी exactly. है एक्जैक्टली कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ रहा बीस परसेंट हमारा सारा काम हो रहा सारा है सारा काम हो रहा है ठीक है अच्छा तो यू अबाउट uh, 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 ये बोलूँगा कि इसमें मैंने मोस्ट ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज हैं उनको मैंने इंटर्नशिप पे रखा था अच्छा फ्रॉम बॉटम अप फ्रॉम बॉटम अप मेरे पास मोस्ट ऑफ़ द टैलेंट ऐसा होगा जो क्लास लेने यूनिवर्सिटी जा रहे होते थे वापस जा अच्छा। रहे होते थे ऑलमोस्ट टाइल से नाइन्टी परसेंट लोग मेरे पास ऐसे थे ठीक है जो यूनिवर्सिटी में थे तब से मैंने उनको हायर कर लिया था फिर मेरा प्रोसेस होता था कि मैं साथ साथ कोर्सेज अभी भी उनको यही बोलता हूँ कि कोर्सेज साथ साथ करो मैंने थर्टी अराउंड थ्री हंड्रेड कोर्सेज खरीदे हुए हैं मैंने उनका एक्सेस उनको दिया हुआ अच्छा। है उसके अलावा अगर मुझे कोई भी एम्प्लॉई कहता है मैंने ये कोर्स करना है मैं उसको कहता हूँ कि आप मेरे को इसका लिंक भेज दो मैं आपको लेके देता हूँ आप करो इसको आपके स्टाफ जब उनमें अपने स्किल्स आपने उनके स्किल्स पे फोकस करना है नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि साथ साथ उनको मोटिवेशन रहे कोर्सेज़ करने की कोर्सेज़ करते रहेंगे वो तो उसके अंदर अब आपको उनकी हेल्प करनी है कुछ ना कुछ right. तो मेरा एक तरीका ये है कि मैं यूँ हेल्प करता हूँ इनिशियली जब मैंने अपने मेन स्टाफ uh, अपना बनाया था लिटरली मैं उनको कोड लिख के देता था एल्गोरिथम लिख के देता था वो उसका कोड बनाते थे ओके okay. <laughs> मैं बैठ के एलगोरिथम <laughs> लिख के आ जाता था पूरा कोड बनाते थे एक आध दफ़ा शुरू शुरू में ऐसा भी हुआ एल्गोरिथम में पूरा लिख के आ जाता था मैं तीन घंटे बाद वापस जाता था पूरा मेरा एल्गोरिथम हटा के अपनी मर्जी का काम कर रहे होते थे वो अच्छा खैर <laughs> अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो उसमें से मोस्टली मैंने खुद ट्रेन किए अब कुछ अब जो है मेरे पास टाइम नहीं होता खुद ट्रेन का तो उसके लिए मेनली मैं उनको कोर्सेज दे देता हूँ वो साथ साथ कोर्सेज देखते हैं साथ साथ खुद भी देखते हैं तो लर्निंग एनवायरनमेंट के हिसाब से साथ हम चलते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right. और क्या रिटेंशन में कोई मसला आया आपको मेरी रिटेंशन बहुत अच्छी जा रही है अच्छा क्योंकि बेसिकली है ये फॉर एग्जांपल हमने बनाया डी एच ऑफिस मुझे एम्प्लॉयज़ ने सबसे पहले बोला कि हमें आने में मसला हो रहा है राइट right. मैंने उनका फ्यूल अलाउंस कर दिया ठीक है ताकि उनका आने का मसला ख़त्म हो जाए फिर मेन मसला ये हुआ उन्होंने बोला हमें टाइम बहुत लग रहा है आने में तो जो स्टैंडर्ड टाइम है हर ऑफिस का नौ घंटे है हमारे यहाँ आठ घंटे है अच्छा हमने आठ घंटे रखा हुआ है मेरा मानना ये है कि हमारी फील्ड के अंदर कोई बंदा लगातार तो सात घंटे इनफ है हाँ बहुत है आठ घंटे का टाइम है सात घंटे वो काम कर रहा है मेरे हिसाब से इनफ है तो वो सात घंटे के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है तो इस सात घंटे का हमने टाइम बेसिकली हमने मेन ये रखा था मगर ये है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉज को टाइम ज्यादा देना है फॉर एग्जांपल वो ऑफिस में नौ घंटे आठ घंटे दस घंटे अगर आपको प्रोडक्टिव टाइम जैसे हमने सात घंटे रखा है इसको आगे जाके हम कोशिश कर रहे हैं आप आठ घंटे पे लाने के लिए उसको लाने के लिए आपने एक इन्वायरमेंट बना के देना नए ऑफिस में हम एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं हम उनको एक्स कुछ थोड़े से एक्सेस दे रहे हैं कि वो अपना फॉर एग्जाम्पल हम उनको थोड़ी सी गेम्स रख रहे हैं हम ऑफिस में वो माइंड फ्रेश कर सकें हम hmm. पुराने ऑफिस में क्योंकि हमारा कुछ नहीं था ना गेम्स थी कुछ भी नहीं था पॉट ड्राई था इसलिए मैंने आठ घंटे सिर्फ रखा ठीक है क्योंकि मुझे अपनी रिटेंशन अगर मैं ये काम नहीं करता मैं उसी ऑफिस में नौ घंटे कर लेता hmm. रिटेंशन मुझे लगता है कि मेरे रिटेंशन में इश्यूज़ आते अच्छा मुबीन तो मतलब काफ़ी सारी स्ट्रेटीज हैं ऑफिस को रन करने की तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं लाइक वर्क फ्रॉम होम कुछ फुली वर्क फ्रॉम होम चलते हैं कुछ ऑन साइट फोर्स करते हैं कि भाई आपने तो आना ही आना है ठीक है और कुछ हाइब्रिड चलते हैं तो मैंने काफ़ी सारी जगहों पे देखा है कि सबके लिए अलग अलग चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं और उनके लोग भी खुश हैं उनके साथ ठीक है तो अभी एक इंस्टेंस में ये कि वर्क फ्रॉम दानिश भाई आए हुए थे तो उनकी माशाला साढ़े तीन सौ बनी हुई कंपनी है एंड फुली रिमोट नॉट अ सिंगल ऑफिस ठीक है लेकिन उनके जो एस uh, हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना मैं आपको बताऊँ कोई भी कंपनी उस तरीके से वो S नहीं, नहीं कर रही एंड देयर पीपल आर वेरी हैप्पी टू डू दैट और मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से उन्होंने वो फार्मूला बनाया हुआ है ना वो उनके लिए वर्क कर रहा है सो सो दैट्स गुड फॉर फॉर देम यू देखिए इसमें सबके लिए अलग काम अलग चीज़ें जैसे हम डिस्कस कर रहे थे किसी के एक फार्मूला दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं होता जी मेरे को जो मेन इशू फेस हुआ वो ये हुआ कि कितनी बार अगर वैसे ही मैं कहता हूँ किसी दिन बारिश हो रही है अगर मैं कहता हूँ आज वर्क फ्रॉम होम कर लो मेरे को रीजनस ये मिलते हैं घर पर लाइट नहीं है अच्छा घर पर लाइट नहीं है घर पर इंटरनेट नहीं आ रहा हमारे मेन इशू यही है पाकिस्तान में जो कुछ इश्यूज़ इस तरह के हैं हमारे कि हम वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते कुछ लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम पे एक्सेस है मगर मुझे लगता है कि वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही अगर मैं अपनी okay. बात करूं मैं अगर घर से बैठ के काम कर रहा हूं तो मेरी वो प्रोडक्टिविटी मेरी भी नहीं आती इन्वायरमेंट hmm. चाहिए होता है मुझे उसके अंदर सही से काम होता है फोकस होकर काम होता है।, सही है तो ये भी डिपेंड करता है हमारा मेन फोकस ऑन साइट है हम अभी पूरा ऑन साइट चला रहे हैं कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो मुझे पता है कि उनको आप वर्क फ्रॉम होम भी बोलोगे वो कर लेंगे अभी हम लोग नहीं कर रहे मगर मैं जैसे सीनियर्स एम्प्लॉयज़ होंगे कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं आगे जाके विद इन सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स मेरा प्लान ये है कि सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी बना दूँगा कि वो हाइब्रिड कर सकें hmm. सही है तो so, uh, अभी रिपोर्टिंग uh, क्या स्केड्यूल होता है डेली रिपोर्टिंग कैसे होती है बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी दो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं हमारे टीम ऑफ टोटल हमारी टीम है ट्वेंटी फाइव की अराउंड सिक्स पीपल इन एच क्यू ए टू प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड एटीन सेवनटीन एटीन डेवलपर्स उन प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम यह है कि वो डेली सुबह तो लेती ही लेती हैं अपडेट मेरे ख्याल से तीन से चार टाइम लेती हैं अपडेट अच्छा। डेवलपर से तीन से चार टाइम इस सेंस में कि फ़ॉर एग्जांपल वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर डेली करती हैं हर प्रोजेक्ट के हिसाब से एक बनाती हैं तो जिस प्रोजेक्ट के हिसाब में उन्होंने जिस डेवलपर से पूछना होता है उस टीम के पास जाके उस टीम के लीड से पूछ के वो अपनी रिपोर्ट्स में उसको लिखती हैं तो हमारी रिपोर्टिंग बेसिकली अभी मेनली प्रोजेक्ट मैनेजर्स डेली बेसिस पर कर रही हैं फिर मेरी अभी एक आदत ये है कि मैं डेली अपडेट लेता हूँ या तो एक दिन छोड़ के वीक में मुझे तीन टाइम ओवरऑल ऑफिस में कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है किस क्लाइंट का कितना प्रोजेक्ट हो गया और जो करंट माइस्ट्रॉन्स चल रहे हैं वो डेडलाइन के ऊपर हैं कि नहीं है ये मुझे वीक में तीन दफ़ा मैं पूछता ही पूछता हूँ अच्छा सही ऑफकोर्स वर्क बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है अच्छा कमिंग बैक टू फाइवर पिछले दिनों काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं एक तो प्रो इन्होंने एक कैटलॉग इंट्रोड्यूस कराया फ्री लासर कुछ को इन्होंने प्र, प्रमोट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म और मेरे ख्याल अब वो ज़्यादा होने लग गए हैं क्योंकि पहले ज़्यादातर यहाँ तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती थी या अगर आप प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं और आना चाह रहे हैं और पहले से आपकी एजेंसी सेटअप है ब्रांड बिल्ड हुआ हुआ है आप आना चाह रहे हो तो मैंने दो दफ़ा अप्लाई किया पहले किया था मेरे ख्याल बाईस में या इक्कीस में और एक मैंने दोबारा अप्लाई किया था छः महीने पहले दोनों दफ़ा उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रिजेक्ट कर दी और दो महीने पहले उन्होंने खुद से मुझे अप्रोच किया अप, मतलब वो प्रो में कन्वर्ट कर दिया सही मुझे ई आई और मैंने उसको अप्रूव किया और उन्होंने मुझे एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट कर दिया प्रो में <clears throat> तो इसमें मुझे तो पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है कि मेरी जितनी भी वो रैंकिंग थी ए एक तो जो आपकी गेग फाइवर डॉट कॉम के ऊपर लिस्टिंग होती है उसके ऊपर रैंकिंग मुझे लग रहा थोड़ी सी बेहतर हो गई दूसरा ये कि एक अलग से जो पूरा एक प्रो का ही कैटलॉग है वहाँ पर जो प्रो क्लाइंट आ रहा है वो सिर्फ प्रो को ही देख सकता है तो वहाँ से भी एक ऑडियंस आना शुरू हो गई बट इन योर केस मैंने देखा है कि आपकी माशाल्लाह फाइवर चॉइस फाइवर चॉइस इज़ बेसिकली लाइक इफ़ यू आर ऑन फाइवर और आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो जो पहला गिग आता है वो बेसिकली फाइवर चॉइस होता है तो हर कीवर्ड के ऊपर अलग फाइवर चॉइस होता है तो माशाल्लाह मुबीन भाई वो इज़ फाइवर चॉइस इन वन ऑफ़ द बिगेस्ट की वर्ड्स जो कि इंडस्ट्री में है जो कि मेरे ख्याल अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई है फाइवर की जिसमें पाँच जो मेजर स्किल सेट हैं जिसपे आप फिलानसिंग uh, कर सकते हैं उसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप एंड माशा यू वर डूइंग ग्रेट तो कैसे इम्पैक्ट किया इसने आपको इसमें दो डिसीजन होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक फाइवर पर एक और चीज़ होती है फाइवर सक्सेस मैनेजर मैं है? प्रो नहीं अप्लाई कर रहा था उसने मुझे फोर्स किया अप्लाई करने के लिए अच्छा वो एक दफ़ा नहीं है मुझे तीन साल से फोर्स कर रहा था अलग अलग प्रोजेक्ट फाइवर सक्सेस मैनेजर इस बार मैंने फाइनली किया डिफरेंस क्या है आपके केस में अभी हम थोड़े से पहले एक बात कर रहे थे कि आपने ये चीज़ बताया कि हमने एक बजट सेट कर लिया इस बजट से नीचे हमने क्लाइंट नहीं उठाना फाइवर hmm. प्रो में बेसिकली प्रो को लिंक वो करते हैं बिजनेसिस से मेनली जी अब बिजनेस जब लिंक करेंगे जब आप सर, कोई भी क्लाइंट सर्च करने आता है उसको बेसिकली सर्च के बाद दो ऑप्शन मिलते हैं एक नॉर्मल क्लाइंट जब सर्च करता है उसको प्रो का ऑप्शन मिलता है अगर कोई प्रो क्लाइंट है पहले से ही जब वो सर्च करता है उसको पहले प्रो सेलर्स दिखाए जाते हैं बाद में दूसरे दिखाए जाते हैं ठीक है ये फ़र्क है तो होता ये है कि अब आपको ये चूज़ करना है कि आपने प्रो बन के बड़े क्लाइंट्स की तरफ जाना है या आपने प्रो नहीं बनना और छोटे बजट वाले क्लाइंट्स को फोकस करना है ये डिसीजन आपने लेना है तीन साल तक मैंने छोटे क्लाइंट्स को फोकस किया अब मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अब मैं प्रो बन के बिजनेसिस को फोकस तो कर छोटे से आपको क्या फ़ायदा हो रहा था छोटे होते ये है कि छोटे लो बजट क्लाइंट होते हैं मगर उसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगा कि एक चीज़ होती है कि हर क्लाइंट की पोटेंशियल है बड़े बनने की मेरे अभी तक जितने भी बड़े क्लाइंट हैं उनको स्टार्ट मैंने छोटे ऑर्डर से किया था तो जो छोटे क्लाइंट आते थे मैं उनको आगे अपसेल करके कुछ ना कुछ करके उनको बड़े क्लाइंट में कन्वर्ट करता था ठीक है फिर अब मैंने ये किया तो मुझे प्रो में ये था कि डायरेक्ट ही बड़े क्लाइंट चाहिए थे तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि अब प्रो बन जाते हैं जब मैं प्रो बन गया तो मुझे फाइबर चॉइस से उन्होंने हटा दिया क्या वजह मुझे जो ये लगता है कि प्रो कोई भी फाइबर चॉइस नहीं होता आज तक मैंने देखा नहीं है कि प्रो फाइबर चॉइस होता है अच्छा। अब इनका फाइबर का एल्गोरिथम नहीं समझ आता मैं इनसे मैंने बात भी की है ये लोग कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है मगर मुझे यही रीज़न मेन लग रहा है कि क्योंकि मैंने आज तक किसी प्रो को फाइबर चॉइस नहीं देखा फिर रिसेंटली अभी इनकी एक चीज़ आई है एजेंसी ठीक है अब मैंने एजेंसी में कन्वर्ट कर लिया है एजेंसी के अंदर ये होगा जो एजेंसी इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट एप को प्रॉपर सही से इन्होंने जो फुल लॉन्च किया है उसको अब बहुत आ, मैं बोलूँगा सिर्फ एक महीना है उसको एनालाइज करने के लिए आप अभी कुछ नहीं कह सकते एजेंसी के बारे में इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये लोग एजेंसी ले आए हैं ये लोग कुछ करेंगे अच्छा अगर आपको मैं बोलूँ अपवर्क पे एजेंसी है मेरे हिसाब से किसी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है अपवर्क पे एजेंसी का कुछ लोगों को फायदा हो रहा है मगर मैं बोलूँगा अगर छोटी एजेंसीज हैं उनको फायदा नहीं अगर पचास साढ़े पचास वाली को फायदा नहीं है मेरे हिसाब से ये लोग कुछ ना कुछ एजेंसीज़ को बेनिफिट देंगे क्योंकि जब फाइवर जो भी अपडेट लाता है बहुत सोच के लाता है अच्छा पूरे मुझे तकरीबन टिकेट हो चुकी है इसके अंदर तो फाइवर की आज तक जितनी अपडेट्स आई हैं बहुत सोच के आई हैं ओके दूसरा फाइवर पे प्रमोटेड गिग्स होती हैं हाँ प्रमोटेड गिग्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोमोटेड गिग से मैंने अभी तक मेरे कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, था मगर यह है कि मेरे जेब से भी नहीं गया मैंने प्रोमोटेड गिग पे आज तक जितने लगाए हैं उतने की सेल्स प्रोमोटेड गिग ने ला के दी है मुझे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके ओवरऑल इम्प्रेशन गिग अच्छी रहती है आपकी hmm. तो प्रोमोटेड गिग बहुत काम की चीज़ है या आई रिमेंबर साल डेढ़ साल पहले तो मैंने उससे कहा कि फाइवर इज़र्किंग दोबारा से रिज्यूम करो वर्क फाइवर के ऊपर तो उस पर फिर उसने कहा कि मतलब क्या ही कर सकता हूँ मैं उसके ऊपर बैठ के तो मैंने कहा कि आप प्रोमोटेड गिग ऑन करो तो प्रोमोटेड गिग ऑन किए उसने एंड माशा ही हैज़ रिप्लेस यू एज फाइवर चॉइस फाइवर चॉइस ऑन सर्टन कीवर्ड्स तो <clears throat> uh, मेरे ख्याल काफ़ी बिजनेस हमने इससे किया है प्रोमोट uh, गिग से बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं थी और अभी भी नहीं है तो लेकिन उसमें केस ये होता है कि द मोर यू स्पेंड द मोर चांसेस यू हैव टू गेट न्यू बिजनेसेस अब वो ये कि हमने रिसेंटली यू आई यू एक्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया अच्छा ये एक बड़ा सेटबैक था ओ माय गॉड मैंने यू आई यू युए एक्स भी खुद किया अच्छा मैंने यू आई यू एक्स डेवलपर शायद अपना पहला यू आई यू एक्स डेवलपर रखा होगा एक साल पहले अच्छा उससे पहले तक मैं यू आई एक्स खुद करता था आई सीन यू डूइंग सी दो हज़ार अठारह उन्नीस से मैं खुद करता था तो मैंने यू आई यू एक्स स्टार्ट की थी एक सॉफ्टवेयर आता था स्केच

यूवा यू एक् ऐसे नहीं कि बस मैंने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर सीखा मैंने प्रॉपर कोर्स किया है राइट राइट और सब है तो फाइवर पे जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनके पास आइडिया होता है और आइडिया को फिर कन्वर्ट करना है इन टू फुल फ्लेच प्रोडक्ट तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ डिज़ाइन एब्सोटली और डिज़ाइन के साथ फिर हम ये करते हैं कि उनको जितनी डॉक्यूमेंटेशन है मतलब हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स नहीं होती उसके अंदर लेकिन हायर लेवल पे फीचर लिस्टिंग होती है यूज़र फ्लोर्स होते हैं तो वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं पहले होता ये था कि हमारे पास डिज़ाइन टीम नहीं थी एंड वी वर वरिंग किया ये बड़ा मुश्किल काम है और हम कहते थे क्लाइंट को आप बनवा लें और फिर वो वापस ही नहीं आता था तो अब होता ही है कि जो भी क्लाइंट आता है उसको हम एक फ़्लैट रेट के ऊपर डिज़ाइन ऑफ़र कर देते हैं कि आप ये डिज़ाइन बनवा लें और उसी के साथ ना हमारी कम्युनिकेशन हमारे प्रोसेसेस वो देख लेता है <coughs> तो हमें डेवलपमेंट में क्लोज करने में बहुत आसानी हो जाती है फॉर इंस्टेंस क्या अगर कोई बनवाना चाह रहा है अपना मोबाइल एप्लीकेशन का बजट है या वे डेवलपमेंट का बजट है उसका थर्टी थाउजेंड का तो उसको बिल्कुल मतलब आ, एक सफिशेंसी अमाउंट हम उसको चार्ज करके ऑन बोर्ड कर लेते हैं और उससे प्रोसेस भी आसान हो जाते हैं है। तो वंडरफुल जॉब इन यू आई यू एक्सलै देर इज हार्डली अ थिंग इन द एच डी एल सी लाइफ साइकिल दैट टचड बैकेंड पे डेवोप्स वगैरह भी देखा होगा देखा होगा डेवलपमेंट सीख कर देखा हुआ है या uh, सीख के देखा हुआ है कम किया हुआ है मगर बैकहैंड डेवलपमेंट बेसिकली मेनली सरवर लेस ए डब्ल्यू एस का कम्प्लीट स्टैक फायर बेस तो बेसिकली ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता बस क्लाउड फंक्शन थोड़े बहुत लिखने पड़ जाते हैं मगर बैकेंड भी पूरी डेवलपमेंट कम्लीट की हुई है एंड नाउ आई कैन इमेजिन वट टुक यू सो लॉन्ग टू स्टार्ट रनिंग योर ओन एजेंसी बिकॉज अ परसन ऑफ योर स्किल सेट तो ही वुड वॉन्ट परफेक्शन इन जब एक ये भी चीज़ होती है ना कि अगर इंसान को ज़्यादा चीज़ें पता ना हो तो कुछ चीज़ें चल भी जाती हैं ऐसे so जब हो पता होती है ना आपको फिर आपको पता होता है यार ये काम ये इस तरीके से होना चाहिए था ये गलती इसकी है ये ये सब चीज़ें हैं तो हाउ इज इट कमिंग अलॉन्ग यू रनिंग योर टीम्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम टू आपने इंडिविजुअली काम किया तो एक बड़ा ट्रांजेक्शन था एजेंसी में कन्वर्ट होना ज्यादा बड़ा मेरे लिए नहीं था अच्छा क्योंकि मैंने स्लोली टीम भी बहुत स्लो बिल्ड किया है मैंने ऐसे नहीं किया कि एक साथ सारे डेवलपर रख अच्छा पहले दो फिर दो से चार hmm. फिर आस्ता 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 करके मैंने ग्रो किया तो इसलिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस तब था तकरीबन आठ महीने पहले मैंने क्या किया कि मेरे करंट ऑफिस में स्पेस कम थी जो पिछला ऑफिस था hmm. मैंने पिछली बिल्डिंग में एक और ऑफिस ले लिया था ठीक है उसमें मैंने सोलह बंदों की सेटिंग बनाई अच्छा और मैंने तकरीबन एक सात बंदे उसमें हायरिंग किए दस बारह बंदे एक साथ हायर कर दिए वो मेरे लिए एक मेजर चीज़ थी कि मैंने अचानक से कर दिया था बड़ा स्टेप वो थोड़ा मुश्किल था मोस्टली उसमें इंटेंस पहले रखे फिर इंटर्न मोस्टली को मैंने जॉब ऑफर कर दी थी ठीक है तो वो एक बड़ा स्टेप था वो थोड़ा मुश्किल था बाकी मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था जबरदस्त ठीक है मुबीन हाउ यू लुकिंग फॉरवर्ड अभी हमारे पास ए आई के काम बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्री में आ रहा है और डू यू सी के ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी दैट यू थिंक ऑफ एन आइडिया आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी या प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होंगे वो जो कि डेवलपमेंट कर रहे होंगे डेवलप uh, अभी इमिडिएटली आपके डेवलपर्स पर अफेक्ट नहीं आएगा ठीक है आपके यू आई यू एक्स डिज़ाइनर मेरे हिसाब से छः चार से छः महीने के अंदर उनको चाहिए प्रॉम्पर इंजीनियरिंग सीख लें मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मेरा एक क्लाइंट है हम उसके लिए यू आई यू एक्स कर रहे थे उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे कम से कम हमने उसके थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड आवर्स की यू आई यू एक्स उसको प्रोवाइड की है अच्छा यू आई यू एक्स में थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड आवर्स इज अग थिंग लॉट ऑफ टाइम उसका अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट आना था जिसके लिए हमने उसको प्रोवाइड करने थे फोर हंड्रेड आवर्स वो अचानक से आया उसने हमें ये बोला कि भाई आप एक एक उसने एक ए आई टूल है यू आई जार्ट के नाम से हमें भी नहीं पता था उसने बोला था आप ये यूज़ करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो सिर्फ आप मेरी सारी स्क्रीन में जनरेट करो वो ऐसा टूल है आप कोई भी इमेज उठा के आप उस पर डाल दें पूरा फिगमा बना के खुद देगा इमेज से एक आपको या पता नहीं याद है कि नहीं एक कैटेगरी होती थी इमेज टू फिगमा की इमेज टू फिगमा वो भी आप सर्विस सेल करते थे ये तो उसने वैसे ही यही ने ख़त्म कर दिया आप डायरेक्ट उठाया आपने डाल दिया फिर आप उस पर प्रॉम्प्ट लिखते तो उस जैसी और स्क्रींस भी बना देते वो तो मैंने अपनी अब यू टीम को यही बोला कि अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू करो अच्छा और तकरीबन हम लोग पिछले तीन महीने से हम लोग अपने यू आई यू डिज़ाइन में मिड जर्नी इंटीग्रेट हमने करना शुरू कर दिया है जो 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 यू आई यू डिज़ाइन की पहले हम स्टॉक इमेजेस यूज़ करते थे क्लाइंट से हमने चार्जेस करते थे लाइसेंस खरीदते थे अब हम मिड जर्नी से जनरेट करवाते हैं इमेजेस ओके okay. और हमने एक प्रॉपर एक मिड जर्नी का भी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया क्लाइंट का क्लाइंट wow. का बेसिकली उसके अंदर ये था कि मिड जर्नी के थ्रू मोबाइल ऐप के केसेस जनरेट डिज़ाइन जनरेट होता है जिसको अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से लोगों ने डिज़ाइन सेलेक्ट किया उसका केस वो ऑर्डर किया उनको डिस्पैच हो गया तो ए के बगैर तो गुजारा नहीं हो पाएगा ए hmm. इंटीग्रेशन आपको सीखना ज़रूरी है जो आपका यू आई और जो वीडियो वाले हैं

और हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ कॉन्टेंट राइटर यू आई यू एक्स और वीडियो वीडियो आर्टिस्ट इनके लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी है नेक्स्ट सिक्स टू एट मंथ्स में नहीं तो इनकी जॉब इन डेंजर है क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ यू आई यू एक्स का काम कम हो गया मार्केट में जो मुझे फ़ील हुआ है जो मुझे जैसा मेरे पास काम आ रहा था अब काम ये आ रहा है कि हमने यू आई यू एक्स के थ्रू ये जनरेट कर दिया आप इसको फेगमा में प्रोटोटाइपिंग हमें कर दो जो कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर यू आई यू एक्स डिज़ाइन बनाना तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है राइट राइट और आई थैंक यू सो मच मुबीन फॉर ज्वाइनिंग प्लेजर है ऑलवेज a प्लेजर जब भी मैं आपसे मिलता हूँ कुछ नई चीज़ आपके बारे में सुनने को मिलती है और एक्सपीरियंस करता हूँ एंड वी रियली ट्राई टू मेक श्योर कि जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम भी करें और अपने जो हमारे साथ और जर्नी में हमारे साथ लोग हैं उनको भी आपके बारे में बताएँ थैंक यू सो मच मुबीन योर वेलकम थैंक यू वेरी मच